अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हैं सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको आपकी ज़िंदगी में खुश और आबाद रखे। हर किस्म की परेशानी से, मुश्किलों से अल्लाह ताला आपको रिहाई दे और आपकी हर जायज़, आपकी जो भी ख्वाहिशात है अल्लाह ताला पूरी करे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि आपको कुछ ड्राई आपको नज़र आ रही हैं लीव्स, तो आज मैं आपसे जो शेयर करने जा रही हूँ वो है कावा। और ये बहुत अच्छा वेट लूज कावा है। आप इसको दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला वज़न जो है वो कम होगा इंशाल्लाह ताला। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने लेमन ग्रास लिया है। ये आपको इजीली यहाँ से यूके से भी, लंदन से, हर जगह से आपको इजीली आपको अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको। लेकिन आपने किसी एशियन शॉप से लेना है, वहाँ से आपको मिलेगा। और साथ में मैंने ये ग्रीन टी ली है। मैंने ड्राई पुदीना लिया है। ड्राई पुदीना जो है ये घर का है और मैंने इसको ड्राई करके रखा हुआ है। आपने भी अगर आपके घर में पुदीना लगा हुआ है तो आप उसको ड्राई कर सकते हैं। और इसकी ऑलरेडी वीडियो जो है मैं दे चुकी हूँ, इसको ड्राई कैसे करना है। साथ में मैंने इलायची ली है, दालचीनी का टुकड़ा लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखें, एक तेज की ले लें, उसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ऑलरेडी केटल का पानी, गर्म पानी मैंने यूज़ किया है। ये मैं 1 कप कावा बनाने जा रही हूँ और 1 कप में मैंने 1.5 कप जो है वो मैंने ऐड किया है पानी का। इसके अंदर लेमन ग्रास, ये देखें, ये मैं ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीन टी ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुदीने के जो पत्ते हैं ये बहुत मुफीद हैं आपके लिए, पेट के लिए बहुत अच्छे हैं। ये देखें, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। दालचीनी का एक टुकड़ा ऐड करूँगी और 1 इलायची ऐड करूँगी। इसको हम पकने देंगे और तकरीबन हम लोग इसको 3 से 4 मिनट इसको हम दम में इसी तरह पकने देंगे। और तकरीबन 5 मिनट तक हल्की आंच पे इसको पकाना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं बनाना, नहीं तो पानी सारा ड्राई हो जाएगा। हल्की आंच पे बनाने से यह है कि इसका असर जो है वो अच्छी तरह इसके अंदर आ जाएगा। और फ्रेंड्स, ये कावा जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो बहुत आसान है। आपने खाना खाने के बाद, आधे घंटे के बाद आपने ये जो है कावा 1 कप पीना है। दोपहर के खाने के बाद भी, आधे घंटे के बाद, खाना जब आप खा चुके हों तो आधे घंटे के बाद आपने 1 कप कावे का पीना है। रात को आपने जब खाना खा लें तो उसके बाद आपने कावा आपने पीना है और कोशिश करनी है उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना। तो इससे जो है आपका बहुत जल्दी वेट लूज होगा और आप फ्रेश रहेंगे सारा दिन। जो लोग कॉन्स्टिपेशन है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी तासीर गर्म है या जिससे आपको ब्लड प्रेशर या कुछ और चीज़ों का प्रॉब्लम हो सकते हैं। इस टोटली ये सेफ़ है, आप बनाएं और पिएं। अगर आप बार बार नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ये करें कि मॉर्निंग में जब आप उठते हैं 9-10 बजे के करीब, नाश्ता करने के बाद आप कावा बना के रख लें। आप इसके अंदर 5 कप पानी के डालें और 3 कप पक के रह जाएं और वो जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ये कावा अगर सुबह बना लेते हैं तो दिन में 3 दफ़ा आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप बना के रख सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश बनाएं तो उसका ज़्यादा अच्छा फ़ायदा है। दूसरा आसान तरीका ये है कि आप ये सब चीज़ें 1 कप के अंदर डालें, डालने के बाद उसके अंदर गर्म पानी डाल के इसको ढक दें और 10 मिनट तक उसको ढका रहने दें। उसके बाद ही आप कावा पी सकते हैं। जितनी भी ये चीज़ें होंगी सब उसके नीचे वो इस तरह बैठ जाएंगी और उससे आसानी के साथ आप जो है वो कावा, वो भी बहुत इजी तरीका है बनाने का। तो फ्रेंड्स, ये जो है बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला इससे फ़र्क पड़ेगा। तो ये देखें, कावा पकना शुरू हो गया। मैंने इसलिए गर्म पानी इसके अंदर डाला था ताकि ये जो है जल्दी बन जाए। तो आप गरम भी डाल सकते हैं, आप नॉर्मल जो है पानी वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फ्रेंड्स, ये देखें, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम इसको मिक्स कर लेंगे तो हम इसको दोबारा ढक देंगे और तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको इसी तरह रहने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फ्रेंड्स, तो कावा जो है वो रेडी हो चुका है। आइए इसको कप में सर्व करते हैं। ये आप यूज़ करें इंशाल्लाह ताला,
आपको बहुत इससे फ़र्क पड़ेगा। और आपने मुझे बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फ्रेंड्स, कावा जो है वो रेडी हो चुका है। इसके अंदर मैंने लेमन ग्रास का इसके अंदर ही मैंने ऐड किया है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। आप चाहें तो इसके अंदर हनी ऐड कर सकते हैं, ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर हनी ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसके अंदर हनी भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो कुछ भी ना डालें। तो फ्रेंड्स, इसके साथ मुझे दें इजाज़त। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि कावे का इस्तेमाल करने के बाद आपको कैसा फ़ील हो रहा है, आपने कितना वेट लूज़ किया है ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।